जो जब विकास हुआ था समाजवादी, हाँ समाजवादी पार्टी के जमाने में विकास बहुत हुआ है। क्या कुछ बीएसपी की सरकार में कुछ काम हुआ? बीएसपी, हाँ बीएसपी सरकार पहले थी, वो समय ऐसा था कि उसमें कम थी योजनाएं, शायद ऐसा ही हुआ होगा, पर कम हुआ उसमें। हुआ या नहीं? हाँ, कम हुआ, हुआ तो है किंतु बहुत कम। आपको तो क्या? भाजपा की सरकार से तंग आ गए, क्योंकि लोग हाँ काम धंधा सब ठप हो गया, कभी लॉकडाउन कभी नोटबंदी, हाँ इस वजह से न्यूमालो मजदूर आदमी बहुत परेशान है। सपा की सरकार में भी ऐसा कोई कुछ गया? सपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं, बसपा की हुआ ना, बसपा की हुआ। चैन से जिए आपने? चैन से, बसपा सपा में सही सही से जिए। पर इसमें कैसे जीना पड़ रहा है? इसमें तो मुझे मान लो बहुत उठन हो रही है साली का। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार, जैसा कि आपको बताई कि हमारी मुहिम चल रही है गांव-गांव जाके गांव के व्यक्तियों के मन की बात जाना। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह गोला है जी। कैसा विकास चल रहा है? वैसे जमाने में चलते हुए इसका क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ का काम तो सही है, पर धरातल पर काम नहीं हो रहा है। असल में बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अखिलेश के जमाने में धरातल पर आकर के बड़े स्वभाव से और बड़े मान भाव के साथ काम होते थे। अखिलेश जैसा सभा जमाने में कभी नहीं हुआ न होगा। अखिलेश की सरकार में क्या क्या सुविधाएं मिली थी आपको? प्रत्येक सुविधाएं थी बस। तो जो विकास हुआ था समाजवादी, हाँ समाजवादी पार्टी के जमाने में विकास बहुत हुआ है। क्या कुछ विकास हुआ था विस्तार से बताओगे? विस्तार से देखो, सड़कों का, जितनी सड़कों का शिलान्यास हुआ है तो अखिलेश के जमाने में हुआ है। उनके धरातल की चली हुई कहानियां ही आगे बढ़ाई हैं। आगे ऐसी कोई नहीं जो नया प्रोडक्ट लगाया हो। बीएसपी की सरकार में कुछ काम हुआ? बीएसपी, हाँ बीएसपी सरकार पहले थी, वो समय ऐसा था कि उसमें कम थी योजनाएं, शायद ऐसा ही हुआ होगा, पर कम हुआ उसमें। हुआ या नहीं? हाँ, कम हुआ, हुआ तो है किंतु बहुत कम। आपको तो पता ही है 2022 में चुनाव आने वाला है। हाँ। तो कौन को देखना चाहोगे? अखिलेश को। अखिलेश, हाँ अखिलेश को। जी जी, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हो अखिलेश यादव? अखिलेश से यही उम्मीद लगाए बैठे, हमारे छात्र घूम रहे हैं, ये कैसे कुछ तो रोजगार के अवसर पे पहुंचेंगे। है सरकार आएगी तो आपको लगता है कि रोजगार के बारे में पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल जरूर, क्योंकि अखिलेश के जमाने में हमारे दो चार बच्चे लगे हैं गांव से लगे हैं। बीजेपी में लगे ना? अभी एक ना लगो क्यों ना लगो तो काम ही ऐसे ही नहीं। शुरू से तो आपने कह दिया बीजेपी सरकार काम कर रही है। काम तो बढ़िया कर रही है, ईमानदारी का है, क्योंकि होशियारी नहीं है, पहले थोड़ी भ्रष्ट बने से भी ले जाते थे, अब चलन दे जाऊ बात है। तो क्या कुछ उम्मीद है सरकार से, अखिलेश की यादव की सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? उम्मीद है, पहले छात्र पढ़ते थे तो उनको थोड़े से सहायता भी मिलती थी, ऐसी वर्ग वालों को और सामान्य वर्ग वालों को ऐसी दृष्टि से देखे थे। हमारी अब चार पांच क्वार्टर बने सामान्य के, आज एक भी क्वार्टर नहीं बना है बीजेपी की सरकार में। कोई काम हमारे यहाँ, हाँ वहाँ से तैयार होके आ रहे होंगे, पर ये पता नहीं कि अब के कोरोना घेर रहा है कि अब के नोटबंदी में खड़े हैं, इसी में रुक गई। कागजों में दिखाई दे रही है काम, क्या जमीन स्तर पर कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको काम? योजनाओं में दिखाई दे रही है, न कागज में दिखाई दे रही, नहीं कहीं केवल वहाँ से योजना चल रही है। हाँ, योजना हुई है पर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ धरातल पर नहीं आ पाए, धरातल पर कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। क्या आपको लगता है यूपी में सीएम अखिलेश यादव जो कि आप उनको अच्छा काम बता रहे वो आ सकते हैं? आ सकते हैं, हाँ उम्मीदें हैं, ऐसी हैं, कुछ ऐसे रुझान हैं कि अब के आएंगे। किसान बहुत परेशान है, अखिलेश के जमाने में ही सही था, अखिलेश के आदम में किसान भी सही था। हाँ। और कौन कौन सही और बहुत का योजनाएं जो धरातल पर योजना चलती थी वो भी सब कुछ आकर के होती थी। जी जी, और गांव के व्यक्तियों से बातचीत। जी क्या नाम है आपका? जी चंद्रपाल सिंह। जैसा कि इन्होंने सरकार के कामों के बारे में बताया तो आप क्या कहना चाहोगे? ये सरकार तो वैसे बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये है कि इसमें जो दलाल थे वो दलाल नहीं रहे, बहुत कम दलाल रह गए, पर ये काम हो रहा है उसे ऊपर से ऊपर ही सब दिखा रहे हैं पूरा करके, लेकिन वास्तविकता से काम नहीं हो रहा है। वास्तविकता से कोई काम नहीं। 2022 में चुनाव है तो आपको पिछले बीते दिनों में जो सरकार रही उनका काम कैसा लगा था? समाजवादी पार्टी बसपा भी रही, वो भी काम सही अपनी जगह पर सही कर रही थी। आप किसको देखना चाहते हो 22 में? देखो समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हो समाजवादी? अरे बहुत से मुझे इतना बहुत कुछ उम्मीद है कि जब जो कुछ भी हो रहा था उसका काम भी वैसे सही है, इसका सरकार का भी काम सही है। सरकार इसका भी, समाजवादी पार्टी का सही था या बसपा का, सबसे ज़्यादा किसका सही था? अब सबसे ज़्यादा तो वैसे इसी का काम बढ़िया, भाजपा का। सपा को देखना चाहते हो, भाजपा का काम भी बढ़िया बता रहे हो, तो आप तो दो तरफ हो गए ना। वो तो बात सही है, लेकिन भाजपा की सरकार से तंग आ गए, क्योंकि लोग हाँ काम धंधा सब ठप हो गया।
कभी लॉकडाउन कभी नोटबंदी। हाँ, इस वजह से न्यूमालो मजदूर आदमी बहुत परेशान है। सपा की सरकार में भी ऐसा कोई कुछ भया? सपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं। बसपा की हुआ ना? बसपा की में हुआ। चैन से जिए आपने? चैन से बसपा सपा में सही सही से जिए। और इसमें कैसे जीना पड़ रहा है? इसमें तो मुझे मान लो बहुत उठन उड़े साली, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ रोक लगा देती है। जैसा कि आप आगरा जाओ तो आप बंदी है। एक सवाल और, जैसा कि आप आगरा जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वहाँ से सेफ आ जाओगे? वो तो बात सही है, नहीं सेफ लो तो जैसे पर उम्मीद होती है। काम वगैरह आंदोलन हो रहे हैं? आंदोलन तो हो रहे हैं, लेकिन इतना है कि इसमें रोजगार ठप पड़ गया सारा। मजदूर आदमी बिल्कुल बेकार है, जो मानो बेरोजगारी हो गई मजदूर। मोदी की सरकार में तो बिल्कुल लाइन में लगे रहे सब लोग, और कुछ नहीं। और किसानों तो चलो परेशान है कि गई ना कि माने ऐसी तैसी मरी जा रही है। रात इन्होंने गाय के लिए वो गौशाला बनवाई थी, एक भी गौशाला तैयार नहीं हुई। आज कोई तैयार नहीं, और सब कागजों में पूरी हो गई, और आज तक कोई भी पैसा आ गया और सब पुलिस हमारे, और ये इतने भ्रष्ट है कि इतने दाम खा रहे हैं कि अगर ये ट्रैक्टर हम लेके निकल जाए तो यूँ समझ लो 1,500 रुपया ले लेंगे। और पहले अगले के ज़माने में चुपचाप जाओ आराम से कर आया तो ले ना ले। हाँ, बहुत बढ़िया है। ईमानदारी यानी मजदूरों को अति शुभ था, मजदूरों के लिए अति शुभ। हाँ, गाँव के लिए सुबह पूंजीपति के लिए सुबह।